डीसी साहब, हमारी भी सुन लो, हम भी लॉकडाउन के कारण फंसे हैं। यहाँ कोई काम धंधा नहीं है और ना ही खाने के लिए राशन बचा है, घर भिजवा दो ना। ये गुहार लगाई है उत्तर प्रदेश के बहराइच जिला से यहाँ आए उन 55 प्रवासी मजदूरों ने, जो लॉकडाउन के कारण यहाँ फंस गए हैं और अब तक वापस अपने घर नहीं जा सके हैं। ये सभी प्रवासी मजदूर बल उपमंडल के डडोर में एक पुल के नीचे जैसे तैसे अपनी जिंदगी काट रहे हैं। डीसी मंडी के पास गुहार लेकर आए प्रवासी मजदूर सत्यपाल ने बताया कि पहले उन्हें राशन मिला, लेकिन अब वह भी नहीं मिल रहा है। एक सप्ताह पहले भी ये प्रशासन के पास वापस घर भिजवाने की गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक इन्हें घर नहीं भिजवाया जा सका है। सत्यपाल ने कहा कि गांव के लोग उन्हें काम भी नहीं करने दे रहे। प्रवासी देखकर लोग कोरोना का खौफ जताते हैं और इन्हें गांव से बाहर निकाल देते हैं। ये लोग फेरी लगाने का काम करते थे और यहाँ गृह सज्जा का सजावटी सामान बेचने के लिए आए थे। अब ये वापसी अपने घर जाना चाहते हैं। इनके पास खाने के लिए पैसे तक नहीं बचे हैं और ऐसी स्थिति में वापस घर जाना संभव नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर साहब हम आए थे लॉकडाउन लगने से पहले, 5-7 दिन पहले यहाँ पर हम आए थे। फूल चटाई बेचते थे, टीवी को और पलंग पोत बेचते थे, बाकी लेबर का काम भी कर लेते थे। यहाँ आने से पहले हमको लोग, यहाँ आने के बाद में हमारे लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन लगने के बाद साहब हमें दो 4-5 बार हमें राशन भी मिला। उसके बाद साहब प्रधान ने भी बोल दिया कि अब राशन तुमको नहीं मिलेगा। फिर बोला इस डैम के पास जाओ। हम इस डैम के पास भी गए तो इस डैम कहता है कि आपको राशन नहीं मिलेगा। तो हमने बोला साहब अगर राशन नहीं मिलेगा तो हमको घर भेज दिया जाए। तो बोला घर भेजने के लिए अगर आपके पास पैसे हैं तो आप घर जाओ, अगर पैसे नहीं तो घर भी मत जाओ। तो मैंने बोला साहब हमारे पास पैसे नहीं तो हम घर कहाँ से जाएं। तो बोला अगर आपके पास पैसे नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ, फिर आप डीसी के पास जाओ। फिर साहब ने 5-7 दिन पहले डीसी साहब के पास भी गए, उसने लिखत लुखत भी करके दे दिया। फिर हमने को लॉन्ड ऑफिसर कहते क्या कहते उसको साहब पुरानी मंडी ऑफिस में, हमने वहां भी दे दिया। देने के बाद साहब लगभग 1 महीने हो गए इसी के चक्कर में भुगतने। साहब फोन भी करते उनके पास तो कहते कर रहे हैं। आज हमारी नानी भी मर गई यूपी में, आज हमारी नानी मर गई, उनकी भी मिट्टी देने के लिए नहीं जा पाए। और अभी भी साहब हम परेशान है कि हम घर चले जाएं। इतने ही कृपया साहब करे कि हम घर पहुंच जाएं। यही मिनती मांगने आए थे इस डीएम साहब से। गांव पहुंचने के लिए तो लोग डंडे लेके दौड़ते पे कहते कोरोना वायरस वाले आगे। इसे बेहतर साहब हमको ये कि घर में चले जाए। साहब इस टाइम भी हम डिडोर में पड़े हैं, खड्ड के पास, डिडोर पुल के नीचे खड्ड के पास पड़े हैं। वहाँ भी कहते आज या कल बाढ़ भी आ जाएगी। आप लोग खुद आए थे कि साहब? हम खुद आए यहाँ पर। चटाई वाला अब ये सारा काम साहब बंद हो गया। गांव में बढ़ने नहीं देते, गांव में डंडा लेके लोग चल देते, बोलते साले कोरोना वायरस आ गए, पता नहीं कहाँ से आ गए। इसकी मजबूरी की वजह साहब हम घर जा रहे हैं। हमें हमको यही कृपया की है कि हम घर पहुंच जाएं। इसी हिसाब से साहब हम 1 हफ्ता पहले मिले थे। उसने लिखित लुखित करके दे दिया, बोला ठीक है आपका काम हो जाएगा। साहब वाले 1 हफ्ता हो गया कोई काम नहीं हुआ। पर साहब हम 55 लोग हैं साहब, 15-20 साहब सिर्फ लेडीज हैं और बाकी साहब बच्चे बुच्चे मिला के जेंट्स मिला के सारे 50-55 बंदे हैं। हम रहने वाले साहब हम जिला बहराइच के हैं साहब। जो की सरकार को नाम को फोन का जब फोन करो तो फोन का कॉन्टेक्ट नंबर मिलता ही नहीं है, क्या उसका कॉन्टेक्ट नंबर है? और बाकी हमारे इधर का प्रधान जो आशीष पांडे पंडित है वो भी कुछ नहीं कर रहा है। वो कहता है मैं कोई विधायक थोड़ी हूँ जो आपको मैं बुला लूँ यहाँ पर। डीसी मंडी के पास गुहार लेकर आई महिला ने बताया कि पुल के नीचे खड किनारे छोटे छोटे बच्चों के साथ जिंदगी गुजारना दूभर हो गया है। कभी मच्छरों का आतंक सताता है तो कभी गंदगी का। प्रशासन जैसे तैसे घर भिजवाने की कृपा करे ताकि वहाँ सुकून से रह सके। बहुत तकलीफ होता है, रात भर तो सोए नहीं मिलता है, भूखे मरते हैं ना। सरकार राशन नहीं देते है, राशन पानी नहीं देते है बाबूजी। हाँ क्या करें, बहुत मजबूरी है। टाइम तक मिला राशन पानी? 10 रोज हो गया, 15 दिन बाबूजी नहीं मिला। छोटे छोटे बच्चे मरते हैं, कोई गांव में ठहरने नहीं देते हैं, कुछ भी नहीं मिलते। हमारे बच्चे छोटे छोटे मरते हैं, कुछ भी नहीं मिलते। पैसे है नहीं, नहीं पैसे है नहीं तो क्या पाई तो मोल लेके खाई। क्या करे बाबूजी, बहुत तकलीफ पड़ता है। हमको घर भेज दे बहुत अच्छा हो जाए। मर जाएगा बाबूजी, हाँ मर जाएगी। हमारे छोटे छोटे बच्चे रात भर तो नींद नहीं पड़ता है। बच्चे हमारे बच्चे 20-25 बच्चे हैं, क्या करें, बहुत बहुत तकलीफ होता है। लोग कहते हैं कि भाग जाए, भाग जाओ, डंडे लेकर भगाते हैं। और रति पुल से इधर भाग जाए ढिढोर में, कोई हाँ तो क्या करे, मजबूरी में खड्ड में पड़े हुआ है, क्या करे, कुछ नहीं मिलता है। हमको घर भेजा है, बच्चे हैं, बुढ़ी तो और मादी बीमार पड़ी हो है, देखने के लिए ही मिलता है।
बहुत मजबूरी पड़ता है बाबूजी। बाढ़ आ जाती है, लोग कहते हैं कि भाग जाओ भाग जाओ, नहीं तुम्हारे बच्चे तो खड्ड में भूल जाएगा। वहीं डीसी मंडी ऋत्विक ठाकुर ने बताया कि जिला में अभी तक ऐसे 104 लोगों को चिन्हित किया जा चुका है जो वापस अपने घर जाना चाहते हैं। लोगों का मामला जिला प्रशासन के ध्यान में है और राज्य सरकार को भी इस संदर्भ में सूचित किया जा चुका है, जल्द ही इन सभी को वापस इनके घर भिजवा दिया जाएगा।